हेलो नमस्ते, स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल सिविल टेक्निक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि एक यार्ड, यार्ड बोलो या फिर गज बोलो, एक यार्ड में कितना फीट होता है और एक फीट में कितना यार्ड होता है, सारे आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना देर किए चले वीडियो स्टार्ट करते हैं अब आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हो एक यार्ड मतलब एक यार्ड और गज। तो जैसे कि यहाँ पर मैं समझाने के लिए यहाँ पर स्केल ले लिया हूँ, जिसमें स्केल में जो लिखा है वो स्केल फीट में लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा है वो फीट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक यार्ड बराबर 3 फीट होता है। तो 3 फीट कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूँ आगे। तो एक यार्ड बराबर 3 फीट होता है, जैसे कि चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है एक यार्ड, एक यार्ड और गज। तो एक यार्ड में 3 फीट होता है, एक यार्ड में 3 फीट होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो सिंगल, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताऊँ, जैसे कि ये 5 और ये हुआ, तो इसका मतलब ये जो सिंगल डैश डिनोट करता है, ये सिंगल डैश डिनोट करता है फीट का, और ये जो डबल डैश, इसी में अगर डबल डैश लग जाएगा तो ये इंच का डिनोट करता है। इसका मतलब अगर 5 के ऊपर सिंगल डैश है तो मतलब 5 फीट, वो हो गया 5 फीट। अगर 5 के ऊपर डबल डैश है तो इसका मतलब हो गया ये 5 इंच है। तो फर्स्ट डैश अगर सिंगल डैश, ये सिंगल डैश फीट डिनोट करता है और डबल डैश इंच डिनोट करता है। तो यहाँ पर देख रहे हो एक यार्ड बराबर 3 फीट, तो क्या हो जाएगा, 1 फीट बराबर, अगर इसको 1 फीट करेंगे तो ये इस साइड चला जाएगा, तो 1/3। तो 1 फीट बराबर 1/3 यार्ड। वैसे अगर 1 फीट को बात करें तो 1 फीट बराबर 0.33 यार्ड होता है, मतलब 1 फीट में 0.33 यार्ड होता है। ये कि 1 फीट में कितना होता है, 1 फीट में 0.33 यार्ड, और एक यार्ड में कितना होता है, 3 फीट। एक यार्ड में 3 फीट होता है और 1 फीट में 0.33 यार्ड होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज इतना ही बताना था कि एक यार्ड में कितना फीट होता है और 1 फीट में कितना यार्ड होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सिविल टेक्निक्स का हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।